सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी क्रैकर्स। तो गाइज, अभी तक हमने अपने ज्योमेट्री में जितने भी सीजीएल के क्वेश्चंस आए थे पिछले 2 साल में, सबको हमने सॉल्व किया है। एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है और आई होप आपको कुछ ना कुछ उसमें सीखने को मिला होगा। और आज हम लोग का लास्ट ज्योमेट्री का पार्ट है, जिसमें हम लोग सीएचएसएल के जितने भी क्वेश्चन थे 2019 में, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, सबको तो हम लोग सॉल्व करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि आपके मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए हम लोग 20 से 25 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो करेंगे। और बाकी आपका आया तो था 60-70 क्वेश्चन, तो वो रिपीटेड था, तो इसलिए आपको उसको करने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, ये 20 से 25 है ना, इसमें मैक्सिमम 5 ही क्वेश्चन ऐसा होगा जो नया आएगा आपके लिए, नहीं तो बाकी सब आपका पुराना ही होगा। ठीक है, बोलने का ज़रूरत नहीं, आप खुद अभी देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किया हुआ क्वेश्चन है कि इफ इन ट्रायंगल एबीसी डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी सच दैट बीडी इज टू बीसी इज इक्वल टू 2:5, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। ठीक है, किया हुआ क्वेश्चन है, 2 सेकंड में सॉल्व होना चाहिए, बिल्कुल 2 सेकंड में होना चाहिए। चलिए, हो गया, हो जाना चाहिए अभी तक। देखिए, ये दे रखा है हमारा ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, इसमें बोल क्या रहा है कि डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी, ठीक है, डी यहाँ पे पॉइंट हो गया, सच दैट बीडी इज टू बीसी इज इक्वल टू 2:5, यानी कि अगर ये 2 है, ये आपका 5 है, तो ये आपका कितना हो गया, 3 हो गया। तो हमको बताना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए बी डी, यानी कि ये वाला, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी यानी कि ये वाला, इन दोनों का रेशियो क्या होगा हमको बताना है। देखिए, तो कल मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हाइट सेम है तो जो बेस का रेशियो होता है वही इसके एरिया का रेशियो हो जाता है, क्योंकि आपका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर हाइट सेम है तो हाइट से हाइट चला जाएगा, हाफ से हाफ चला जाएगा, तो बचा क्या आपका बेस। तो इसलिए जो बेस का रेशियो होगा वही उसका एरिया का रेशियो हो जाएगा, यानी कि 2:3 आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, सॉरी, कि अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल है आपका, एक सर्कल के अंदर उसका सेंटर ओ है, एंगल बीओसी 92 है, एंगल एडीसी 112 है, तो एंगल एबीओ क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, किया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। एंगल बीओसी 92, एंगल एडीसी 112 डिग्री, तो हमको बताना है क्या है, हमको एंगल एबीओ क्या होगा यही बताना है। ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, तब तक हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं। ये है हमारा छोटा सा सर्कल, इसमें ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ठीक है, एंगल बी ओ सी हमको दे रखा है 92, यानी कि ये मान लीजिए कि ओ है, तो ये हमारा है 92 डिग्री। इसके बाद हमको क्या दिया है, ए डी सी 112 है, ठीक है, ये हमारा हो गया 112 डिग्री। तो हमको बताना है कि एंगल ए बी ओ क्या होगा, यानी कि ये वाला एंगल क्या होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, हो गया क्या, देखिए हम लोग इसको। चलिए, तो ये हो गया दोनों रेडियस, तो अगर दो साइड इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या कि आमने सामने वाला जो एंगल है इसका बराबर हो जाएगा, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा। तो अगर ये 92 है तो बचा कितना, 88, क्योंकि 180 माइनस 92 88 हो जाएगा आपका, और 88 को जब दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 44 डिग्री। इसके बाद चलिए, ये तो हमारा आ गया, यहाँ पे 112 है, और तो एंगल बी क्या हो जाएगा आपका, आपको भी पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये 112 यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, 68 डिग्री। ठीक है, 68 डिग्री हो जाएगा। अब टोटल हमारा 68 है, ये छोटा वाला हमारा 44 है, तो बचे हुए एंगल हम लोग बता सकते हैं क्या, ये कितना हो जाएगा हमारा, 68 माइनस 44 यानी कि 24 डिग्री हमारा ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, इसमें तो कुछ खास समझाने वाला था नहीं, आपका यहाँ से ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि ए बी और सी डी दो कॉर्ड है एक सर्कल का,
जो इंटरसेक्ट करता है पॉइंट ओ इनसाइड द सर्कल, ठीक है, कोई पॉइंट ओ है उस पर इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों। आपका दे रखा है कि ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सी ओ इज इक्वल टू 1.5, डी ओ इज इक्वल टू 12.5। तो आपको बताना है कि रेशियो क्या होगा लार्जर एंड स्मॉलर अमंग ए ओ एंड बी ओ, यानी कि ए ओ और बी ओ में जो बड़ा वाला है और जो छोटा वाला है इन दोनों का रेशियो क्या होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। क्या हुआ ये सब क्वेश्चन, सब है कोई नया नहीं है, सब किया हुआ क्वेश्चन, एक दो आएगा आपका नया क्वेश्चन, बाकी सब किया हुआ है। तो इससे ही आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आप करके जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम में क्या लेवल होगा और आप कितना ईजिली टैकल कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए हो गया होगा अभी तक। तो ये हमारा सर्कल दे रखा है, इसमें दो कॉर्ड है हमारा, ये मान लीजिए कि ए बी है और ये हमारा सी डी है। अब इसके बाद क्या दे रखा है हमको कि सी ओ इज इक्वल टू 1.5, ठीक है, ये ओ है तो सी ओ है हमारा 1.5, डी ओ है 12.5, ठीक है, ये हो गया हमारा 12.5। इसके बाद दे रखा है कि ए बी जो है ये 10 सेंटीमीटर है, तो मान लीजिए कि ये एक्स है तो ए ओ क्या हो जाएगा हमारा 10 - x, बिल्कुल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं, क्या होता है वो, कि इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होता है, यानी कि x इंटू 10 - x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1.5 इंटू 12.5। ठीक है, पॉइंट पॉइंट हम लोग उड़ाते हैं, ये नीचे आ जाएगा 100, 25 से काटेंगे 5 बार में, ये 4 बार में, यानी कि 15 × 5/4। ठीक है, अगर हम लोग इसको स्प्लिट करना चाहें तो ये हमको क्या दिख रहा है, ये हमको दिख रहा है कि 15/2 × 5/2 दिख रहा है ना। तो 5/2 × 15/2 अगर दिख रहा है तो अगर x के जगह पे हम लोग 5/2 पुट करते हैं तो ये तो हमारा 5/2 हो ही जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 10 - 5/2, यानी कि 20 - 5/2 15/2, यहाँ से ये आपका आ गया, यानी कि हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू 5/2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर आ गया। बस हम लोग लगा देते हैं, x हमारा 2.5, 10 - x हमारा कितना हो जाएगा 10 - 2.5 यानी कि 7.5। तो ये तुमको बताना कि बड़े वाला और छोटे वाला इन दोनों का रेशियो क्या होगा, तो बड़ा वाला हमारा कितना है 7.5, छोटा वाला कितना है हमारा 2.5, इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट जाएगा, 25 से ये 1 बार में, ये 3 बार में, यानी कि 3:1 हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना, ज़्यादा समझाने का तो इसमें ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये किया हुआ क्वेश्चन है हमारा, जो है कैलकुलेशन है बस। तो ये आप लोग अगर नहीं ये समझ में आ रहा है तो आप लोग क्वाड्रेटिक से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 24 सेंटीमीटर, इट्स साइड बी सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ए डी इज द बाई सेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी वाइल आई इज द इन सेंटर। ठीक है, ए डी है आपका ए बी ए सी का बाई सेक्टर, आई आपका इन सेंटर दे रखा है, तो ए आई इज टू आई डी का रेशियो क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, बहुत आसान एक लाइन का क्वेश्चन है, अगर आप लोग को पता है तो, नहीं है तो कॉन्सेप्ट अभी देख लीजिएगा। चलिए, तो ये है हमारा ट्रायंगल एबीसी, इसमें एंगल ए का बाइसेक्टर आ रहा है एडी। ठीक है, उसके बाद हमको दे रखा है क्या कि आई इसका इन सेंटर है, ये कहीं आई है जो इसका इन सेंटर है। अब इन सेंटर होता क्या है, इन सेंटर आपका होता है कि तीनों एंगल का एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलता है वही आपका हो जाता है इन सेंटर। तो आपको भी पता है कि इन सेंटर जो ये एंगल बाइसेक्टर जो होता है इन दोनों साइड को इस साइड के रेशियो में बांटता है, तो कहीं ना कहीं हमको इसी साइड के रेशियो में जाना होगा। बस तो इन सेंटर का आपका सिंपली फॉर्मूला होता है कि ए आई बाई आई डी इज इक्वल टू इन दोनों का सम, यानी कि ए बी प्लस बी सी, सॉरी बी सी नहीं ए सी, ए बी प्लस ए सी डिवाइडेड बाई टोटल वन यानी कि बी सी। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, ये साइड के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, ये हमारा ए आई से ले लिया है तो इसलिए ए बी प्लस ए सी जा रहा है,
साइड चेंज करेंगे तो ये भी आपका चेंज हो जाएगा। तो बस इस पर बिठा देंगे। तो आपको चाहिए क्या, ए आई इज टू आई डी, यानी कि ये तो हमको चाहिए ही, ए आई बाई आई डी हमको चाहिए। ए बी प्लस ए सी कितना हो जाएगा आपका, अगर आपको बी सी 9 दे रखा है तो आप, और ट्रायंगल ए बी सी का पेरीमीटर 24 है, तो पेरीमीटर आपका क्या होता है, तीनों साइड का सम। तो 24 माइनस 9 यानी कि 15 डिवाइडेड बाई बी सी कितना हमको दे रखा है, 9 सेंटीमीटर। तो बस इसको 3 से काटेंगे तो ये जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 5 बार में, यानी कि 5:3 आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, ये आप इसको याद रखेंगे, ये आपका इन सेंटर का फॉर्मूला हो जाता है। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है हमारा एबीसी, पीक्यू इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एसी, यानी कि एसी के पैरेलल है पीक्यू, सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पीवीक्यू इज इक्वल टू 3:1, यानी कि एबीसी और पीवीक्यू का एरिया जो है इसका रेशियो है 3:1। तो आपको बताना है कि सी बी इज टू सी क्यू का रेशियो क्या होगा। ठीक है, सी बी सी क्यू का रेशियो आपको बताना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, किया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना इसमें करना क्या है। चलिए देखें हम लोग इसको, इतने टाइम में हो जाना चाहिए थे। ये है हमारा ट्रायंगल ए बी सी, इसमें हमको दिया क्या कि पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है जो ए सी के पैरेलल है, यानी कि ये हो गया हमारा पी क्यू। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल पी बी क्यू इज इक्वल टू हमको क्या दिया है, 3:1। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर ए बी सी बाई पी बी क्यू 3:1 है तो हमको सी बी इज टू सी क्यू चाहिए, यानी कि इसमें इसके अकॉर्डिंग हमको करना होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, बी क्यू नहीं, अगर हमारा तो ए सी डिवाइडेड बाई बी क्यू इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये अगर एरिया का रेशियो ये इतना है तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 3:1, यानी कि √3/1। बस इसमें लगा दीजिए आप, अगर टोटल आपका √3 है, ठीक है, टोटल हमारा √3 है और बी क्यू हमारा कितना है, 1 है, लेकिन हमको चाहिए क्या, सी बी चाहिए यानी कि टोटल, और हमको सी क्यू चाहिए यानी कि ये वाला पार्ट। तो टोटल √3 है, ये वाला पार्ट वन है, तो ये वाला पार्ट आपका कितना हो जाएगा, √3-1। तो बस यहाँ से बी सी इज टू सी क्यू हमारा कितना हो जाएगा, √3/√3-1। बस इसको रेशनलाइज कीजिए आप, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं तो √3/√3+1 डिवाइडेड बाई √3² - 1 का स्क्वायर, यानी कि ये आपका हो जाएगा √3/2 × √3+1। √3/2 × √3+1 हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 1, यानी कि यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, इसको कुछ ज़्यादा समझाने की तो जरूरत है नहीं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग कल या परसों हम लोग किए थे। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए ये सब क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं फिलहाल, तो अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, ये आपको सॉल्व नहीं करना है, आप सिंपली ये जान लीजिए कि अगर सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड किसी ट्रायंगल का अगर एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, जितना सेंटर है सब अगर एक ही पॉइंट पे मिला है, तो इसका एक ही कंडीशन होता है कि वो ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए, यानी कि तीनों साइड उसका इक्वल होना चाहिए। इसलिए हमारा ऑप्शन डी इक्विलेटरल ट्रायंगल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको कुछ खास जानना है नहीं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इन ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल एबीसी है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी मीट एट पॉइंट ओ विद इन द ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि एंगल बी और एंगल सी का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जो है वो किसी पॉइंट ओ पे मिलता है, और एंगल ए जो है वो 132 डिग्री दे रखा है, तो एंगल बी ओ सी का मेज़र क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, ये तो हम लोग कितनी बार कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन।
चलिए तो देखिए हम लोग, तो अगर एंगल ए दे रखा है, एंगल बी ओ सी इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर, इसका मतलब क्या कि 90 प्लस ए बाई टू इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। बस तो ए हमारा कितना है 132, यानी कि 90 प्लस 66 यानी कि हमारा हो जाएगा 156 डिग्री, यानी कि इसमें से आपका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अगर किसी का इसमें से कुछ आया है तो आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बुलावा आया है, आप लोग वहां जा करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें से एसएससी के अकॉर्डिंग कोई ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि इन ट्राइंगल एबीसी, यानी कि कोई ट्राइंगल एबीसी है, लेंथ ऑफ बीसी इज लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ एबी बाय 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो बीसी का लेंथ है वो एबी के लेंथ के दुगना से 3 कम है। ठीक है, लेंथ ऑफ एसी यानी कि एसी का जो लेंथ है वो एबी से 9 सेंटीमीटर बड़ा है, और पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल दे रखा है हमको 34 सेंटीमीटर। तो स्मॉलेस्ट साइड का लेंथ क्या होगा आपको बताना है। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। चलिए हो गया होगा अभी तक। देखिए ये है आपका ट्रायंगल एबीसी, इसमें हमको दे रखा है कि बीसी इज लेस देन ट्वाइस ऑफ एबी, तो पहले हम लोग एबी डिसाइड कर लेते हैं एक्स, तो बीसी इसके दुगना से 3 कम है यानी कि 2x-3, और एसी जो है ये एबी से 9 सेंटीमीटर बड़ा है, यानी कि ये हो गया आपका x+9। बस तो आपको इसका पेरीमीटर दे रखा है 34, तो आप इन तीनों का सम करेंगे तो x+x+2x यानी कि 4x++9-3 यानी कि +6 इज इक्वल टू हो गया आपका 34, 4x आपका हो गया 28, 4 से काट देंगे तो ये जाएगा आपका 7 बार में, यानी कि x आपका कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो बस आपका स्मॉलेस्ट एंगल तो यही हो जाएगा, स्मॉलेस्ट आपका हो जाएगा 7, बस आपका ऑप्शन 1 7 सेंटीमीटर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका ये आंसर गलत दे रखा है, ये आपका 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर इज 13 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के रेडियस का दो सर्कल है, उसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होगा। अगर किसी को इसका फॉर्मूला पता है तो उसके लिए ये 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, अगर नहीं पता है तो वो अभी इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है ये देख लेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए अभी तक आ गया होगा, जिसका भी आना होगा आ गया होगा, नहीं तो आप लोग सॉल्व करते रहेंगे जिसको भी पता है। फिलहाल हम लोग इसको तो यहाँ देखते हैं, दो सर्कल अगर आपका दे रखा है और इसके बीच का जो रेडियस इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये दोनों को रेडियस को मिला करके भी बड़ा हो रहा है, इसका मतलब कि दोनों सर्कल अलग अलग होगा, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट या टच नहीं कर रहा है, तो बस इसका मतलब हुआ कि ये हो गया आपका 13 सेंटीमीटर, कोई कुछ भी हो सकता है, वो ये इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस हो गया। तो आपका दो टेंजेंट यहाँ से बन सकता है, एक तो बन सकता है कि ये दोनों जो डायरेक्ट एकदम डायरेक्टली टच कर जाए बिना सेंटर से पास किए हुए, और एक आपका बनता है कि जो सेंटर से पास करते हुए बने, मतलब कि ये सीधा लाइन होगा यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो इसको तो हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और ये आपका होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। देखिए तो इसके लिए तो एसएससी आपका सिंपली ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ये यूज़ कर लेता है, लेकिन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए कभी कभी आपका यूज़ करता है कि उस टेंजेंट का लेंथ बताइए कि जो सेंटर से जो लाइन ज्वाइनिंग है उसको कट ना करे। तो जब भी आपका बोले कि अगर सेंटर से लाइन ज्वाइनिंग नहीं है तो उस केस में आप लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोग देखिए, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का आपका फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट ऑफ, इसको मान लीजिए कि डी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, तो ये आपका डी स्क्वायर प्लस r1-r2 का होल स्क्वायर, यानी कि जो बड़ा है इंटू माइनस छोटा, उस या आप किसी को भी लीजिए, स्क्वायर आपका पॉजिटिव ही आ जाएगा। और आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का आपका होता है अंडर रूट ऑफ
डी स्क्वायर प्लस, सॉरी ये माइनस होता है यहाँ पे, डी स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी आपका ये गलत हो गया है, ये आपका प्लस नहीं होगा, यहाँ पे ये माइनस होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का आपका होता है डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का आपका होता है डी स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर। बस तो इसको हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे आपका क्या पूछा है, आपसे पूछा है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस दोनों के बीच के रेडियस का सम यानी कि आर वन प्लस आर टू यानी कि 3 प्लस 2 यानी कि इसको तो आर वन प्लस आर टू का ही स्क्वायर लिखिए, ये आपका हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो आपको भी पता है कि 5 12 और 13 जो है ये ट्रिपलेट बनाता है, तो अगर जैसे ही 5 12 13 बनाता है ट्रिपलेट तो ये आपका कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर यानी कि 12 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, आप बस सिंपली फॉर्मूला इसका लगा देंगे आपका ये आ जाएगा। और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका आर वन माइनस आर टू हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आए, तो ये आपका दे रखा है कि लेट ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यूपीआर, ये टाइपिंग एरर है, आप लोग इसको करेक्ट कर लेंगे। और एरिया का जो रेशियो दे रखा है ये आपका दे रखा है 4:25 का। उसके बाद आपका ये कुछ कुछ लेंथ दे रखा है जिस पे हम लोग ध्यान कभी देते नहीं है, और हमको पीआर का लेंथ क्या होगा ये बताना है, ठीक है। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। हो गया होगा क्योंकि ये इतने ही टाइम का क्वेश्चन है। ए बी सी बाई क्यू पी आर हमको कितना दे रखा है, इसका रूट लेंगे तो 2/5। हमसे पी आर का लेंथ पूछा यानी कि ये हो गया हमारा पी आर, तो पी आर के अकॉर्डिंग हमारा क्या है बी सी, तो 2 का वैल्यू हमको दे रखा है 8, तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको तो समझाने की जरूरत है नहीं, ये हम लोग कितनी बार कर चुके हैं, ऐसा 6-7 क्वेश्चन आ चुका होगा कम से कम। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला 11th क्वेश्चन आपके सामने कि द डायगोनल ऑफ टू ऑफ अ रोम्बस आर 14 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर, यानी कि दो डायगोनल है 14 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा आपको बताना है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप लोग लगा देंगे आपका आ जाएगा। देखिए यहीं पे अगर आपका एरिया पूछता है तो आप तो सिंपली एरिया क्या लगाते हैं, हाफ डी वन डी टू, ठीक है। ये तो हम लोग किए थे ना सीजीएल वाले में, लेकिन यहीं पे आपका पेरीमीटर पूछा है तो आपका डायरेक्ट पेरीमीटर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, आपको साइड पहले निकालना होगा, उसके बाद आप इसका एरिया का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। चलिए इतने टाइम में हो जाना चाहिए क्योंकि ये इतने ही टाइम का क्वेश्चन है। आपका साइड क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ डी वन बाई टू का स्क्वायर प्लस डी टू बाई टू का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या, अंडर रूट ऑफ डी वन बाई टू यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस डी टू का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर। तो आपको भी पता है कि 7, 24 और 25 जो है ये ट्रिपलेट बनाता है, यानी कि आपका कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब आपको पता होगा कि रॉम्बस क्या होता है, बेसिकली ये एक टिल्टेड स्क्वायर होता है, यानी कि एक ऐसा स्क्वायर जिसका एंगल जो है 90 डिग्री नहीं है, यानी कि चारों साइड क्या होता है इक्वल होता है। तो बस इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 साइड दैट इज इक्वल टू 4 × 25 यानी कि 100 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, साइड का होता है आपका अंडर रूट ऑफ डी वन बाई सॉरी हाफ डी वन स्क्वायर प्लस हाफ डी टू स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12th क्वेश्चन आपके सामने है, फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, एंगल बी और सी का बाइसेक्टर जो है वो मिल रहा है ओ पॉइंट पे, एंगल ए दे रखा है आपको 132, तो एंगल बी और सी क्या होगा आपको बताना है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 156 डिग्री। चलिए और ये आपका ऑप्शन गलत है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, और यहाँ पे एक बार ये नया क्वेश्चन आ गया ना, हाँ चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। यहाँ दे रखा है आपका कि ट्रायंगल एबीसी है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी मीट एट ओ इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है। कोई पॉइंट ओ है ट्रायंगल के अंदर, उस पे आपका
एंगल बी और एंगल सी का बाइसेक्टर जो है ये मिल रहा है। एंगल बी ओ सी आपका 110 डिग्री दे रखा है, तो आपको बताना है कि ए का वैल्यू क्या होगा। अब आप लोग शांति से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एंगल बी ओ सी दे रखा है, एंगल ए नहीं दे रखा है, बाहुबली नहीं बनना है, शांति से आराम से इसको सॉल्व करना है। अभी तक हो गया होगा, आपको ये एंगल दे रखा है, ये एंगल निकालना है। तो 90 + a/2 आपका होता है एंगल बी ओ सी यानी कि 106 डिग्री। तो ए बाई टू आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16, यानी कि ए हो जाएगा आपका 32 डिग्री, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना इसको क्या है, सिंपली फार्मूला आप याद रखेंगे, इससे आपका हो जाएगा। चलिए 16th क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पी एंड पी बी आर द टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, यानी कि पी और पी बी आपका दो टेंजेंट है। ए एंड बी आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल, यानी कि ए और बी जो आपका पॉइंट है सर्कल पे, ऑब्वियस बात है पी और पी बी टेंजेंट है तो ए और बी तो होगा ही होगा। एंगल ए पी बी आपका 72 डिग्री दे रखा है, तो एंगल ओ ए बी क्या होगा आपको बताना है। कल ही हम लोग सेम यही क्वेश्चन किए थे, उसमें पता नहीं एंगल कुछ और रहा होगा, लेकिन एकदम सेम यही क्वेश्चन था, इसलिए टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ मैं आपसे कि हाँ, अगर कोई क्वेश्चन एटलीस्ट बताया हुआ है तो वो आपसे हो जाना चाहिए। और आप लोग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, मैं कमेंट सेक्शन में देखता हूँ आप लोग 24, 25, तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि हाँ, कुछ भी अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। ठीक है, आई थिंक अभी तक हो गया होगा। देखिए, ये आपका सर्कल है, ये दो टेंजेंट आपका दे रखा है पी ए पी बी, ये आपका सेंटर है ओ। चलिए, ये आपका सेंटर ओ हो गया। एंगल ए पी भी आपका दे रखा है 72 डिग्री, तो आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल जो होता है ये सप्लीमेंट्री एंगल होता है, यानी कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 72 है तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 108 डिग्री, 108 डिग्री। इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ये आपका है 108 डिग्री। तो आपको एंगल ओ ए बी क्या होगा, यानी कि ये वाला एंगल क्या होगा आपको बताना है। ये हमारा रेडियस, ये हमारा रेडियस, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 180 - 108 यानी कि 72 / 2 36 डिग्री, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये तो इतना सॉल्व करना पड़ा, लेकिन आप लोग एक बार डायग्राम जरूर बनाएंगे जब भी सॉल्व करेंगे। तो आपका सिंपली होता क्या है ना, इस ये जो एंगल होता है ना, इसका ये आधा हो जाता है, क्योंकि आपका 180 - थीटा ये जाता है और फिर से 180 - थीटा हो जाता है, तो यानी कि सिंपली आपका थीटा ही बनता है। तो बस थीटा को दो पार्ट में आपको डिवाइड करना है, यानी कि थीटा बाई टू। तो थीटा तो आपका यहाँ दे ही रखा है, बस ये आप थीटा बाई टू कर देंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप लोग फिगर जरूर बनाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर फिगर नहीं बनाएंगे तो अभी आपको आगे देखने को मिलेगा कि गलती आपसे क्या हो सकता है। सो ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर टू पॉइंट्स। ठीक है, एक ट्रायंगल में डी और ई दो पॉइंट है ऑन साइड ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी पे, सच दैट आपका डी ई जो है बी सी के पैरेलल है, ए डी बाई बी डी जो है वो 3/4 है। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी टू द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डी ई सी बी क्या होगा आपको बताना है। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, कुछ खास इसमें है नहीं, बहुत आसानी से आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। सॉल्व हो गया ये, इतना ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, ये है हमारा ट्रायंगल एबीसी, इसमें आपका दे रखा है कि डी जो है वो बीसी के पैरेलल है, ये डी है, एडी बाई बीडी जो है 3/4 है, यानी कि ये 3 है और ये 4 है, यानी कि टोटल कितना हो गया आपका, टोटल हो गया आपका 7। तो बस इसमें आप एरिया का लगा देंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा,
AD का 3 यानी कि 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ABC का 7 यानी कि 7 का स्क्वायर, यानी कि आपका ये कितना हो जाएगा 9/49। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए एरिया ट्रायंगल ABC टू द रेशियो ऑफ एरिया ट्रेपेजियम DECB। तो अगर ये आपका 9 है, ये टोटल 49 है, तो ये वाला पोर्शन आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40। तो हमको एरिया ट्रायंगल ABC यानी कि 49:2 एरिया ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DECB यानी कि ये आपका कितना है 40। तो आपका 49:40 करेक्ट हो जाएगा। जिसका भी इसमें से कुछ आया है तो वो समझ लीजिए कि आप लोग 30 मार्क आए, आप लोग क्वेश्चन से अलग जा करके कुछ सॉल्व किए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल एबीसी, इट टचेस साइड ए बी बी सी एंड ए सी एट पॉइंट्स पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली। बी पी आपका दे रखा है 9 सेंटीमीटर, सी क्यू है 10 सेंटीमीटर, ए आर है 11 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा आपको बताना है। ये एंगल नहीं है, ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, ये किया हुआ क्वेश्चन है, कल ही हमने ऐसा 2-3 क्वेश्चन किया था, तो इसलिए इसमें 5-10 सेकंड लगना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए आपका। चलिए देखिए, आप इसको चाहे तो बिना डायग्राम बनाए भी हुए भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए आप जब फिगर बनाते हैं ना तो आपके सामने क्लैरिटी आ जाता है कि आखिर क्वेश्चन बोल क्या रहा है, और आप एग्जाम में रिस्क नहीं ले सकते हैं, वहाँ पे कुछ भी बोल सकता है वो। तो इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। तो ये हमारा दे रखा है सर्कल, इसके अराउंड आपका एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपका ए बी सी, यहाँ पे आपका है पी क्यू आर। ठीक है, इसके बाद आपका क्या दे रखा है कि बी पी इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये 9 है। सी क्यू इज इक्वल टू 10, ये 10 है, और ए आर इज इक्वल टू 11 यानी कि ये 11 है। तो अगर हमारा ऑल्टरनेट दे रखा है तो आपका क्या हो जाएगा, इन तीनों का सम इंटू 2 यानी कि 10 प्लस 11 21 प्लस 9 30 यानी कि 30 इंटू 2 आपका ऑप्शन डी 60 सेंटीमीटर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो किया हुआ क्वेश्चन, आप ऐसा 3-4 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इसलिए दोबारा समझाने की इसको जरूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 7 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए। ठीक है, दो सर्कल है, उसका रेडियाई है 7 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट ए और बी पे। ए बी है आपका 10 सेंटीमीटर, और दोनों के जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। तो यही एक्स क्या है आपको बताना है, यानी कि सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या है, यही आपको फाइंड करना है। जल्दी से निकालिए, ये हम लोग किए हुए हैं ऐसा सेम क्वेश्चन, तो इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग इसको, ये हमारा दो सर्कल है, ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए बी, पहला है आपका 7 सेंटीमीटर रेडियस, दूसरे का है 9 सेंटीमीटर रेडियस। इन दोनों को हम लोग ज्वाइन किए, ए बी को हम लोग ज्वाइन कर दिए। तो आपको पता है कि जो सेंटर का लाइन ज्वाइनिंग होता है वो इसके दो पार्ट में डिवाइड करके 5-5 कर देगा। ये मान लीजिए कि ये आपका हो गया ए, ये हो गया आपका बी, तो आपका ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका 7² - 5² यानी कि 7 + 5 = 12 इंटू 7 - 5 = 2। ये आपका क्या हो जाएगा, 2 और 2 = 4 कॉमन ले लेंगे तो आपका ये हो जाएगा 2√6। बी आपका कितना हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा √9² - 5² यानी कि 9 और 5 = 14 इंटू 9 - 5 = 4। आप इसमें सिंपली 4 को बाहर ले लेंगे तो आपको ये क्या हो जाएगा, 2√14। तो यही तो आपको बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा, यानी कि a प्लस बी कितना होगा। तो आपका a प्लस बी कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2√6 + 2√14
14, दैट इज़ इक्वल टू 2 इंटू रूट 6 प्लस रूट 14, आपका ऑप्शन नहीं वन नहीं ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, आपको सिंपली ये कर लेना था, इसमें पाइथागोरस लगा देते आपका आ जाता 2√6 और 2√14 और इन दोनों का सम ही तो आपको बताना था, तो बस यहाँ से आपका आंसर आ जाता। आगे बढ़ते तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन इस बार आपका सही ऑप्शन आ गया है, 132 डिग्री है, तो आपका क्या हो जाएगा 90 प्लस 66 यानी कि 156 आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका कि इन ट्रायंगल एबीसी, ये आपका एंगल नहीं है ट्रायंगल है, एंगल बी बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी मीट्स एट पॉइंट ओ विद इन द ट्रायंगल। ठीक है, तो आपको एंगल ए इज गिवन, तो बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, इसमें से कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। देखिए, आपको सिंपली एंगल बी ओ सी अगर हर जगह पूछ रहा है यानी कि एंगल बाइसेक्टर जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर उसका फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है, तो वो आपका क्या होता है, एंगल ओ इज इक्वल टू आपका होता है 90 प्लस ए बाई टू, यानी कि आपका सिंपली ऑप्शन फोर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 9/4, तो आपको बताना है कि क्यू आर का लेंथ क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, घिसा पिटा क्वेश्चन, जल्दी से इसको 2 सेकंड में सॉल्व कीजिए। चलिए, तो आपका ए बी सी और क्यू पी आर का रेशियो जो है ये आपका कितना 9 का √3, 4 का 2, आपको निकालना क्या है, क्यू आर कोड निकालना है, मतलब सॉरी क्यू आर का वैल्यू निकालना है। तो क्यू आर के रिस्पेक्ट में आपका क्या है ए सी, तो आपका ए सी का लेंथ कितना है 12, तो 3 का अगर 12 है तो 2 का कितना हो जाएगा, आपका 2 का हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी कि आपका ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, आगे बढ़ते हम लोग। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कि इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर टू पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली सो दैट डी ई पैरेलल बी सी ए डी इज टू बी डी जो है आपका 3:4 दे रखा है, तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी टू द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डी ई बी सी सॉरी डी ई सी बी क्या होगा आपको बताना है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। खैर, इसको सॉल्व क्या करना है, आप तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही इसको देखे थे, आपका वो क्या आया था 40:49:40 यानी कि आपका ऑप्शन वन यहाँ पे करेक्ट होगा, वहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं था लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो लोग अभी नए आए हैं वो लोग पहले देख लेंगे, मतलब कि बाद में देख लेंगे, वो लोग ये क्वेश्चन पहले हो चुका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इन अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल ए बी सी टचेज साइड ए बी बी सी एंड ए सी एट पॉइंट पी क्यू आर, बी पी आपका है 8.5, सी क्यू है आपका 6.5 और ए आर है आपका 4.5 सेंटीमीटर, तो इसका ट्रायंगल ए बी सी का पेरीमीटर क्या होगा आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, ज्योमेट्री को हलवा के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं और जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए, हो गया ना, देखिए ये आपका सर्कल है, इसके सामने ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी पी क्यू आर। ठीक, इसमें हमको दे क्या रखा है कि बी पी इज इक्वल टू 8.5, ठीक है ये 8.5 है, सी क्यू इज इक्वल टू 6.5, ठीक ये 6.5 है और ए आर जो है ये 4.5 है, यानी कि ये 4.5 है, तो यानी कि टोटल हमारा कितना हुआ 8, 4, 12 और 6, 18, 19, 19.5, यानी कि 19.5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 39 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, तो इसी के साथ आपका ज्योमेट्री जो है ये ख़त्म होता है। ठीक है, तो
आज ज्योमेट्री खत्म हुआ, मंडे से हम लोग एक नए क्लास के साथ मिलेंगे, कोई नया चैप्टर स्टार्ट होगा, या तो मेंसुरेशन होगा नहीं तो कोई अर्थमेटिक का चैप्टर होगा, जो भी होगा आपको तो पता चल ही जाएगा। उसमें भी हम लोग प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये मेरा प्रॉमिस है कि आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे मैथ्स के, तो वहाँ पे आप मिनिमम 22 to 23 क्वेश्चंस करेंगे ही करेंगे, अगर आप सबको प्रैक्टिस करके अच्छे से जाते हैं तो। ये वीडियो में करें, आप खुद से सॉल्व करें, इसको 3 बार 4 बार सॉल्व कीजिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हर क्वेश्चन का, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा आप बेसिक देख लिया कीजिए, कोई भी चैप्टर चल रहा है ना, तो हाँ यहाँ पर आप क्वेश्चन कीजिए लेकिन और थोड़ा बेसिक भी आप देख लेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा, ज्योमेट्री पूरा कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। तो आपका क्या स्कोर रहा आज का ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि आपका लास्ट क्लास था आज, तो आज का स्कोर मायने रखता है। और कैसा लगा आपको ज्योमेट्री ये भी ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो वो भी बताइएगा, क्या कमी रहा ये भी बताइएगा। चलिए हम लोग मंडे से मिलते हैं, थैंक यू।